हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्पोर्ट गुरु जी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो मैच है पहला T20 मैच जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में कल शाम को 7 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा। इसकी ड्रीमन टीम, साथ ही बात करेंगे एट इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप की टीम। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एट इन्फिनिटी फैंटेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है। वहीं इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर हम आपको काफ़ी कुछ अपडेट कराते रहते हैं, जैसे टॉस से रिलेटेड हो, प्लेइंग 11 को लेकर हो, या कोई भी इन्फो आता है इन दोनों ही टीम की तरफ से, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है। वहीं फ्रेंड्स, अगर लिंक काम नहीं करता तो आप टेलीग्राम पर जाइए, रॉयल स्पोर्ट गुरु जी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला देखोगे तो फ्रेंड्स, जो इंडिया अपने जो पिछला T20 मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को 30 रन से हरा दिया था, जिसमें लोकेश राहुल ने शानदार 52 बनाए थे, श्रेयस अय्यर के 62, दीपक चहर ने 6 विकेट निकाले थे और शिवम दुबे ने 3 विकेट निकाले थे। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से वेस्ट इंडीज़ का पिछला मुकाबला देखोगे तो वेस्ट इंडीज़ भी अपना जो पिछला मैच इंडिया में खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ, जहाँ पर फ्रेंड्स अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 29 रन से हरा दिया था, जिसमें इवान लुइस के 24, कोटरल के 2 विकेट और किमो पॉल ने 2 विकेट निकाले थे। ये कुछ प्लेयर फ्रेंड्स दोनों ही टीमों की तरफ से जिन्होंने अपने पिछले मैच में अच्छा किया हुआ है। अगर आप यहाँ से वेन्यू पिच स्टैट देखोगे तो फ्रेंड जो पिच है स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, साथ ही जो ऐसे बॉलर जो थोड़े बहुत स्लोअर डालते हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे इस वेन्यू पर। अगर आप यहाँ से एवरेज स्कोर देखोगे पिछले 8 T20 मुकाबलों का तो 172 रन का रहा है फ्रेंड, जहाँ पर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग किया है वो 5 बार जीत चुका है, जो टीम सेकेंड बैटिंग किया है वो 3 बार जीत चुका है। यहाँ पर फ्रेंड चेस करना तो उतना आसान होता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे लाइट आता है वैसे वैसे जो बॉल में अड्डी फैक्टर आने लगता है, बॉल को ग्रिप करना उतना आसान रहता है नहीं, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगा वो फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला ले सकता है, सॉरी फ्रेंड फर्स्ट बॉलिंग करने का फैसला ले सकता है। कि फिर इनमें से कुछ ऐसे भी मुकाबले हैं जो IPL के 4 बजे में खेला गया, तो वहाँ पर तो ड्यू उतना फैक्टर होता नहीं, इसलिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर डिफेंस आसानी से हो गया था, लेकिन इस वाले वेन्यू में आपको शाम को 7 बजे मैच देखने को मिलेगा ये वाला, इसलिए फ्रेंड जो भी टीम टॉस जीतेगा इस वाले मैच में वो फर्स्ट बॉलिंग करने का फैसला ले सकता है। अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पिछला हेड टू एनकाउंटर देखोगे तो फ्रेंड्स इन दोनों ही टीमों ने इस सीजन मतलब इस साल एक सीरीज खेला था वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को आसानी से हरा दिया था। अगर आप यहाँ से इस वाले हेड टू एनकाउंटर की बात करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेटों से हरा दिया था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ इकलौते ऐसे प्लेयर थे किरण पोलार्ड जो लगातार अच्छा पारियाँ खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, बाकी फ्रेंड्स को भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। यहाँ पर इंडिया की टीम की तरफ से ऋषभ पंत ने 65 नाबाद बनाए थे, विराट कोहली 59 थे और दीपक चहर ने 3 विकेट निकाले थे। फ्रेंड्स यहां से दीपक चहर हो गए, युजवेंद्र चहल हो गया और भुवनेश्वर कुमार, तीनों एक काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं, चाहे स्मॉल लीग के लिए हो, ग्रैंड लीग के लिए हो, ये तीनों बॉलर को इस बार जो वेन्यू है काफ़ी हेल्प करने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से एक और हैट्रिक स्टैट देखोगे, जहाँ पर इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 69 रन से हरा दिया था, जिसमें रोहित शर्मा के 67, विराट कोहली के 28, शिवम दुबे के 1 विकेट और वहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से कोटरल के 2 विकेट और किमो पॉल ने 1 विकेट निकाले थे। यहाँ से आते हैं हम अपने चैनल के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि 5 स्टार प्लेयर को लेकर है, कौन से 5 5 प्लेयर इन दोनों ही टीमों के तो जो लगातार अच्छा करके आए हैं, प्लस आपको इस वाला मैच भी अच्छा कर दे सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स फर्स्ट इंडिया की टीम की तरफ से विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, KL राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं और दीपक चहर हैं। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से इवान लुइस हैं, किरण पोलार्ड हैं, किमो पॉल हैं, कोटरल हैं और के विलियम्स हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन 10 में से करीब 8 या 9 प्लेयर इस वाले मैच में आपकी स्मॉल की टीम में जरूर हो। वहीं फ्रेंड्स इस वाले मैच में जिन प्लेयर पर खासा नज़र रहेगा उसमें फर्स्ट नाम आएगा विराट कोहली का, जिन्होंने पिछले 6 मुकाबलों में लगभग 65 की एवरेज से 259 रन बना रखे हैं। दीपक चहर जो कि हर मुकाबले लगभग 1 से 2 विकेट निकालते ही रहते हैं, पिछले 6 मुकाबलों में लगभग 5 की इकोनॉमी से 13 विकेट निकाल रखे हैं। वहीं फ्रेंड किरण पोलार्ड काफ़ी अच्छे प्लेयर लगातार अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए हैं, जब ये अफगानिस्तान
के खिलाफ खेल रहे थे। पिछले 6 मुकाबलों में इन्होंने 41 की एवरेज से 165 रन बना रखे हैं। वही कीमो पॉल भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने पिछले 6 मुकाबलों में 12 विकेट चटका रखे हैं। आप चाहें तो इन प्लेयर को अपने ग्रैंडी के लिए खासकर फोकस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इन दोनों ही टीमों का पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको इंडिया की टीम की तरफ से केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपनिंग करते दिखाई देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, शिखर धवन जो रूल आउट हो चुके हैं इस सीरीज से, क्योंकि चोटिल उनको जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चोट लग गया था, इसलिए फ्रेंड्स केएल राहुल आपको रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिखाई देंगे। बाकी विराट कोहली हैं, सुरेश अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, जडेजा हैं, दुबे हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, दीपक चहर हैं, युजेंद्र चहल हैं। मेरे हिसाब से जो पॉसिबल 11 निकल कर आया है इस वाले मैच में वो यही रहने वाला है फ्रेंड, क्योंकि आपको इस वाले मैच में ऐसे प्लेयर चाहिए जो आपको थोड़ी बहुत स्पिन प्लस ऐसे फास्ट बॉलर जो आपको स्लोअर डालकर दे सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पास मौका दिया जा सकता है मोहम्मद शमी के ऊपर। और फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव पहला मैच मिस कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से वेस्ट इंडीज का पॉसिबल 11 देखोगे तो फ्रेंड निकोलस पुरन फर्स्ट मैच के अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर 4 मैचेस का बैन लगा दिया था बॉल ट्रैम्परिंग के लिए। बाकी वान लुइस और लेंडर सिमंस आपको इस वाले मैच में ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स लेंडर सिमंस के प्लेस में यहाँ पर ब्रेंडन किंग भी ओपन कर सकते हैं। अभी तक तो कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन सा प्लेयर इस वाले मैच में आपको खेल तो दिखाई देगा, लेकिन जो सेफ पिक रहने वाला लेंडर सिमंस का ही रहने वाला है। बाकी यहाँ से सेमरन हेटमायर हैं, दिनेश रामदीन हैं, किरण पोलार्ड हैं, फेबिन एलन हैं, होल्डर हैं, किमो पॉल हैं, कोटरल हैं, विलियम्स हैं और वॉश हैं। फ्रेंड्स यहाँ से वॉश आपल काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम तो आप इन्हें ग्रैंड लीग टीम में शामिल करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बाकी अगर आप इस वाले मैच में स्मॉल लीग में किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं 4 में से किसी दो के साथ जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं 4 में से किसी दो को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने वाले हैं, जिसमें इंडिया की टीम की तरफ से विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, वहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से किरण पोलार्ड हैं, इवान लुइस हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स इन्हीं दो में से किसी इन्हीं 4 में से किसी दो को कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करेंगे तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपका भी जो कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा इन्हीं 4 में से कोई दो रहेगा। वहीं अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं 6 टीम के साथ तो आप इन प्लेयर को अपने ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो फ्रेंड्स अपने किसी टीम में इनमें से एक या दो प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना दीजिएगा, जिसमें इंडिया की टीम की तरफ से केएल राहुल हैं, दीपक चहर चहल हैं, वहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से विलियम्स हैं, पॉवेल हैं और यहाँ से होल्डर है। फ्रेंड्स विलियम्स का पिछला सीरीज काफ़ी अच्छा गया था जब इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला था, तो आप चाहें तो ग्रैंड लीग में इन प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या हो सकता है मैं ड्रीम टीम। वहीं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं क्या हो सकती है हमारी 8 इन्फिनिटी फैंटेसी पर टीम। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जब आप फ्रेंड्स यहाँ से 8 इन्फिनिटी फैंटेसी पर साइनअप कर लोगे, कैसे साइनअप करते हैं इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वीडियो देखकर यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लीग है। अगर आप यहाँ से ग्रैंड लीग भी खेलना चाहते हैं ग्रैंड लीग भी आप खेल सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फी के साथ काफ़ी अच्छा आपको रिवार्ड मिल जाता है। साथ ही फिर यहाँ पर जो कमीशन रहता है और दूसरे ऐप के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे में आपको 35 का 90 मिलेगा, आपको सीधे सीधे यहाँ पर 36 का 100 मिलने वाला है। आपको सीधे सीधे 1 रुपये का 10 रुपये का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 से 75 यहाँ से 69 पे 250। वहीं अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ से हेड टू हेड कॉन्टेस्ट भी, अगर आप हेड टू ज़्यादातर खेलते हैं तो आप यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इनमें क्या हो सकता है हमारी टीम देख लेते हैं। फ्रेंड्स इस ऐप पर ये हमारा फाइनल टीम रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ड्रीमोन से काफ़ी अलग है। ड्रीमोन का जो पहला रूल था मतलब 1 विकेटकीपर, 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर प्लस आपके पास यहाँ से 5 बॉलर होना चाहिए, ये वही रूल को फॉलो करता है। अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है, लेकिन इनका जो अपडेट है 1 से 2 वीक में आ जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ से टीम देखो तो हमारे पास रामदीन है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सुरेश अय्यर है, लोकेश राहुल हैं, लेंडर सिमंस हैं, किरण पोलार्ड हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, चहल हैं, दीपक चहर हैं और यहाँ से एस कोटरल है। मैंने यहाँ से ये मेरा फाइनल टीम रहने वाला इस ऐप पर। बाकी चलिए देख लेते हैं हमारे ड्रीमोन में क्या हमारी फाइनल टीम रहने वाली है।
सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन देखोगे तो आपका दो ऑप्शन, एक तो ऋषभ पंत का जो कि 5 नंबर पर खेलेगा और दूसरे यहाँ से दिनेश रामदीन का जो 4 नंबर पर आपको बैटिंग करते दिखाई देगा वेस्ट इंडीज के तरफ से। मैं फ्रेंड्स प्रीफर करूंगा दिनेश रामदीन को, क्योंकि फ्रेंड्स सर मेरे हिसाब से इस वाले मैच में ऋषभ पंत का जो बैटिंग है वो आना फिक्स नहीं है, क्योंकि जो अटैक है वेस्ट इंडीज का उतना खासा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से ऋषभ पंत को पिक नहीं किया है। अगर आप इनको पिक करना चाहते तो बाकी आप इनको पिक कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स आप निकोलस पुरन को पिक मत कीजिए, ये आप जो इस वाले मैच आपको खेल तो नहीं दिखाई देंगे। वहीं बैटिंग सेक्शन से मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया हुआ है, जिसे रोहित शर्मा है जो ओपन करेंगे इंडिया की तरफ से, विराट कोहली आपको 1 डाउन, लोकेश राहुल आपको ओपनिंग, प्लस यहाँ श्रेयस अय्यर आपको 4 नंबर पर बैटिंग करते दिखाई देंगे इंडिया के तरफ से। बाकी फ्रेंड्स आप बस यहाँ से अंदर ऑप्शन इवान लुइस का आप इनके साथ जा सकते हैं जो कि ओपनिंग करने वाले हैं वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से। यहाँ से आपको सिमरन हेटमायर 1 डाउन खेलते दिखाई देंगे वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से। वहीं फ्रेंड जो लेंडल सिमन्स और ब्रेंडन किंग का पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है, इन दोनों में से कोई एक आपको वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी फ्रेंड्स जो मनीष पांडे, इनका खेलने का चांस काफ़ी कम मेरे हिसाब से, ये आपको इस वाले मैच में बेंच पर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया हुआ, जिसमें किरण पोलार्ड है। जब फ्रेंड्स इंडिया की टीम जो है वेस्ट इंडीज गए थे तो काफ़ी अच्छे इनका फॉर्म रहा था, प्लस जो इनका सीरीज चल रहा था वेस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें भी ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए थे। तो आप चाहें तो ग्रैंड लीग में इनके साथ एज अ कैप्टन भी जा सकते हैं। बाकी मैंने सर जेसन होल्डर को भी पिक किया हुआ है, जो कि आपको बैट और बॉल दोनों के साथ अच्छा करते हुए इस वाला मैच में दिखाई दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऑप्शन देखोगे तो आप फ्रेंड्स चारों ही ऑप्शन आपको इस वाले मैच के लिए अवेलेबल रहने वाला है, जिसमें रविंद्र जडेजा हैं, शिवम दुबे हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं ग्रैंड लीग में। वहीं यहाँ से वाशिंगटन सुंदर या फेबिन एलन के साथ भी आप जा सकते हैं, चारों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप चाहे तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग के लिए एक ही सेफ पिक मैं आपके लिए बोलूंगा, वो है रविंद्र जडेजा का, आप इसके सिवा किसी और को भी स्मॉल लीग में पिक मत कीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन से मैंने 4 बॉलर को पिक किया हुआ है, जिसमें चहल हैं, कोटरल हैं। नीचे से फ्रेंड्स मैंने पिक किया हुआ दीपक चहर को, भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इस वाले मैच में आपको मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये खेलेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा इनके बारे में कोई भी अगर अपडेट आता है तो। बाकी फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है के विलियम्स का, पिन के साथ जा सकते हैं। वहीं कुलदीप यादव इस वाले मैच में खेलने वाले नहीं है। वहीं फ्रेंड नीचे से आपका 2 और अच्छे ऑप्शन, एक तो कीमू पॉल का है और दूसरे यहाँ से वॉश का है। फ्रेंड्स अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है वेस्ट इंडीज की टीम तो आप आंख बंद करके वॉश को कैप्टन या वाइस चेयरमैन बना दीजिएगा अपने किसी एक ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पिछले सीरीज में अच्छे खासे फॉर्म में भी दिखाई दिए थे। अगर आप यहाँ से हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम फिर जिसमें दिनेश रामदीन है, रोहित शर्मा है, लोकेश राहुल है, श्रेयस अय्यर हैं, विराट कोहली हैं, किरण पोलार्ड हैं, जेसन होल्डर हैं, कोटरल हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, दीपक चहर हैं और चहल हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से ऋषभ पंत को पिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे पूरे 5 बैट्समैन इस वाले मैच बैटिंग करते दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से टॉप 4 ही इस वाले मैच को ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स अगर आप ऋषभ पंत को पिक करेंगे तो आप यहाँ सिंपली ड्रॉप कर दीजिएगा श्रेयस अय्यर को और इनके प्लेस पे इवान लुइस को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स हमारा फाइनल टीम रहने वाला है इस वाले मैच के लिए, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखा है, जहां पर हम आपको कैप्टन वाइस कैप्टन प्रोवाइड कराते रहते हैं टॉस के बाद। अगर फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वन टीम के साथ में।